नमस्कार, कला संकलन में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे ऑडिशन की। जब आप ऑडिशन देने जाते हैं और संवाद या स्क्रिप्ट आपको दी जाती है, तो आपको ये भी तय करना चाहिए कि वो जो संवाद है, वो जो किरदार है, आप उसके लायक हैं या नहीं। उसे अच्छी तरह से पढ़िए, अच्छी तरह से समझिए, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं, ये किरदार, ये कैरेक्टर, ये संवाद मुझ पर नहीं बैठता है, मैं इसे नहीं कर सकता, तो आपको ऑडिशन नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप जबरदस्ती अपने शरीर, अपने दिमाग के साथ ज्यादती करते हैं, बेमतलब को आप उसे ऑडिशन देते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा और आप उस ऑडिशन में असफल हो जाएंगे। दूसरी इससे और एक जुड़ी बात आती है असफल होने से। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने जो ऑडिशन दिया है, आपको लगता है कि वो ऑडिशन मैंने बहुत अच्छा दिया, लेकिन आपको ये पता चलता है कि उस ऑडिशन में आप सेलेक्ट नहीं हुए। इसका ये तात्पर्य नहीं कि आप अच्छे अभिनेता नहीं हैं। आप अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन जब वो ऑडिशन चैनल तक या निर्देशक तक जाता है, हो सकता है कि उन्हें जिसने ऑडिशन दिया है वो बहुत दुबला पतला, उनके जहन में उसे एक मोटा तगड़ा शरीर वाला व्यक्ति उनकी कल्पना में रहा, तो हो सकता है कि इस वजह से आप असफल हो गए, या हो सकता है कि आप बहुत मोटे तगड़े हैं और उन्हें दुबला लड़का चाहिए हो या लड़की चाहिए हो। सो कई मर्तबा ऐसा होता है कि एक अच्छा अभिनेता, बहुत अच्छा अभिनेता एक अच्छा ऑडिशन देकर आता है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप अच्छे अभिनेता नहीं, क्योंकि आपको ऑडिशन में वो जो सीन दिया जाता है उससे ये नहीं पता चलता कि एक निर्देशक ने किस तरह के चरित्र के बारे में या लेखक ने किस चरित्र के बारे में इस संवाद को लिखा है, जिसकी वजह से आपको कहा जाता है कि भाई आप सेलेक्ट नहीं। जब आप ऑडिशन देने जाते हैं, आप पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपना काम करते जाइए, कभी उससे निराश मत होइए। एक ना एक दिन वो किरदार जो निर्देशक या लेखक के जहन में है वो आपके हिस्से में आएगा और आपका सिलेक्शन होगा। अब आता है कि ऑडिशन देते वक्त बहुत भीड़ होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, हर आदमी अपने अपने तरीके से उन लाइनों को कर रहा होता है। कई बार आप एक ऑडिशन जिस व्यक्ति का चल रहा है उसे देख लेते, आपने जिसे तैयार किया है, आपको लगता है कि ये आदमी मुझसे अच्छा कर रहा है, आप उसकी परफॉर्मेंस से प्रभावित हो जाते। मत होइए, आप वही काम कीजिए जो आपने सोचा है, जो आपने पूरा क्रिएट किया है कैरेक्टर, किसी दूसरे के ऑडिशन को देखकर उसके प्रभाव में मत आइए, क्योंकि वो उसका शरीर, उसकी वाणी, उसका मस्तिष्क है, उसने उस सीन को उस तरह से सोचा, आपने अपने तरह से सोचा। हो सकता है जिस चीज से आप प्रभावित हुए हैं वह असफल हो जाए और जो आपने सोचा है वो आपको सफल बना दे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि जब ऑडिशन देने आप जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है और हर आदमी अपने तरीके से उसे तैयार कर रहा होता है। सबसे अहम बात यह आती है कि ऐसे माहौल में आप अपने आप को फोकस कैसे करें, अपने काम को बहुत ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी मेहनत से कैसे करें। वहां पर आपका साथ देता है मेडिटेशन, जहां पर कि आप आसपास के सारे शोर को, उस पूरे वातावरण से अपने आप को अलग कर सकते हैं, केंद्रित कर सकते हैं अपने आप को, और आप
अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि भीड़ के शोर से, आसपास के लोगों से, वातावरण के माहौल के जो छोटे 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 नॉइजेस होते हैं, जो हल्ला हो रहा होता है, उससे हम अपने आप को कैसे बचाएं, उसके लिए मेडिटेशन होता है। एकाग्रता के लिए आप योगा कीजिए, आप उसमें अपने आप को डुबोइए कि मैं इन ध्वनियों के प्रभाव से अपने आप को कैसे बचाता हूं। ये बेहद जरूरी होता है। और सबसे अहम बात जो आती है कि मान लीजिए दो किरदार हैं, तो दूसरे किरदार के संवाद जो आदमी कैमरे के पीछे से आपको क्यों दे रहा है या वो संवाद बोल रहा है, उन संवादों को बोलते वक्त वो आदमी एक अभिनेता की तरह नहीं बोलता, वो फ्लैट बोलता है, भाव नहीं देता है, वो मूड नहीं देता है। तो आपको उन संवादों को सुनने के बाद अपने भाव को, अपने इमोशन को उतनी ही शिद्दत से रखना चाहिए जैसे कि आप अभिनय कर रहे हो। और एक सबसे छोटी सी बात मुझे जो लगती है, ये सोचिए कि ऑडिशन आपका पहला और आखिरी है। जब भी आप ऑडिशन देने जाएं, कभी ये मत सोचिए कि मैं तो कई बार ऑडिशन दे चुका हूं, क्योंकि वो आपके भीतर एक अलग तरह का गुरूर पैदा करता है। मत सोचिए, आप ये सोचिए कि ये जो मैं ऑडिशन दे रहा हूं, ये ऑडिशन नहीं दे रहा हूं, मैं शूटिंग कर रहा हूं, उतनी ही पूरी पूरी शक्ति से, पूरे संवादों की अदायगी में, इमोशन में, हर चीज में, कीवर्ड में, स्ट्रेस में, रिदम में, हर चीज में उतनी मेहनत दिखाइए जैसे कि आप शूटिंग कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है आप ऑडिशन में कभी भी असफल नहीं होंगे। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि ऑडिशन देना, अगर आपको लगता है कि ये किरदार मैं नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहिए, उसे छोड़ दीजिए, जबरदस्ती ऑडिशन मत दीजिए, फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। नमस्कार।